हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर फाइव शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर वन व्हाई डू यू नीड टू ग्रुप और क्लासिफाई थिंग्स अराउंड यू कि आपको चीजों को ग्रुप में क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों होती है क्योंकि जो ग्रुपिंग हो है वो एक पर्टिकुलर थिंग को लोकेट करने में हेल्प करती है देन वाट आर सोल्यूबल एंड इन सोल्यूबल मटीरियल्स सोल्यूबल मटीरियल वो होते हैं जब सब्सटांस वाटर के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाता है और इनसोल्यूबल जब सबस्टांस वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता तो उसको हम इन सोल्यूबल बोलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री ऐसे दो सबस्टांसिस बताइए जो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर और ऐसे दो सबस्टांसिस बताइए जो इनसोल्यूबल होते हैं सोल्यूबल मीनस सॉल्ट एंड शुगर जो जो मिक्स मिक्स हो जाते हैं, नहीं होते। क्या होता है जब पाउडर और को हम में करते हैं? तो जो और होता है, है बॉटम में बैठ जाता है कंटेनर के नीचे सेटल डाउन हो जाता है क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो वॉटर की डेंसिटी से हाई होती है क्वेश्चन नंबर फाइव क्या होता है कि जब हम कैरोसिन ऑयल और कुकिंग ऑयल को वॉटर के अंदर ऐड करते हैं जो कैरोसिन ऑयल और कुकिंग ऑयल है वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है तैरने लग जाता है और एक सेपरेट लेयर फॉर्म करता है देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटीरियल जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास हो जाए ट्रांसलूसेंट जिसमें से पार्शली पास हो और ऑपैक जिसमें से बिल्कुल भी पास ना हो एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंट मटीरियल के ग्लास और सम प्लास्टिक एंड ट्रांसलूसेंट के फ्रोस्टेड ग्लास ऑयली पेपर और ओपेक के वुड एंड वॉल यू हैव टू राइट एंड लर्न इट